हेलो टॉपर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? वेल, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस. वेल, इन प्रीवियस लेक्चर आई टॉट यू द बेसिक कंसेप्ट ऑफ रिलेशन, कि एक्चुअली व्हाट इज द रिलेशन, व्हाट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, व्हाट इज डोमेन, कोडोमेन, आर इनवर्स, डोमेन ऑफ आर इनवर्स, कोडोमेन ऑफ आर इनवर्स एंड रेंज ऑफ आर इनवर्स. बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन. सो बी रेडी. और एक बार मुझे थोड़ा कंफर्म करके बता दीजिए क्या एवरीथिंग इज क्लियर, ताकि आज हम लोग स्टार्ट कर सके कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है. ठीक है, तो जल्दी से 5 सेकेंड के अंदर में हम लोग स्टार्ट करते हैं. और मैं फिर से बता दूं, जिस स्टूडेंट ने अभी तक हमारा एप्स डाउनलोड नहीं किया है, वो लोग जल्दी से जा करके डाउनलोड कर लीजिएगा. आप प्ले स्टोर में डाविंसी इंस्टीट्यूट पूरा का पूरा टाइप करेंगे, ठीक है, डाविंसी इंस्टीट्यूट डाउनलोड करेंगे. उसके बाद मोबाइल के थ्रू आपका OTP जनरेट होगा. जैसे ही जनरेट होगा, होम पेज में आप इनकर जाइएगा. होम पेज के पास यहां पर एक बैच लिखा रहेगा. बैच में इन जैसे कीजिएगा, आपसे बैच में इन कीजिएगा तो यहां पर प्लस करके आ जाएगा. ठीक है, तो प्लस में करने के बाद बैच कोड आपसे मांगेगा, बैच कोड. और बैच कोड आप इन कर सकते हैं अगर आप CBSE के स्टूडेंट हैं क्लास 12 के लिए. देख लीजिए, अपने फ्रेंड लोग को यह सब बता दीजिएगा जरूर. यू विल राइट DVIMPH12. ठीक है, ये सारे के सारे CBSE वाले बच्चों के लिए एप्लीकेबल है. अगर आप ISC के बच्चे हैं तो आप लिखिएगा DVIM, इट्स अ ISC 12. ठीक है, ये आपका कोड होगा. जैसे आप रिक्वेस्ट सेंड कीजिएगा, हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा, उसको एक्सेप्ट करेंगे और फिर आप बैच में इन हो जाइएगा. अभी तक आप नहीं किए हैं तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि मंडे से सारा कंटेंट हम लोग वहीं पर डालने वाले हैं. क्लियर, YouTube पर भी आएगा लेकिन कम कंटेंट आएगा. एप्स में हम लोग ज्यादा कंटेंट करेंगे, टेस्ट तो सब होगा. अभी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट मैंने खत्म किया है, उसका भी टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे. तो सो नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉपिक. एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सब कुछ क्लियर है. अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. और जब भी मैं गुड मॉर्निंग कहता हूं टॉपर्स, तो आपको टॉपर जैसा बिहेव करना है, फील करना, उस एटीट्यूड में पढ़ना है, एकदम पेपर पेन उस अंदाज में आपको पढ़ना है कि जब आप टॉपर बनोगे, एक टॉपर कितना मेहनत करना, उस सेंस में पढ़ाई करो. ऑल राइट, चलिए, वेरी गुड. ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. चलिए, तो आज हम लोग रिलेशन का थोड़ा सा आगे टॉपिक पढ़ेंगे. मैं हल्का सा पीछे का रिकॉल करा देता हूं कि कल हमने क्या पढ़ा था. 2 मिनट के अंदर में पीछे का भी हम लोग रिकॉल कर लेंगे. ठीक है, देखो जी, रिलेशन होने के लिए मैंने बताया था कि ए और बी, ये दोनों कैसा सेट होना चाहिए. इट्स अ नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. सबसे पहले तो ये नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. अगर नॉन एम्प्टी सेट होगा तो रिलेशन होने के लिए डेफिनेशन बताया था कि R शुड बी सबसेट ऑफ A क्रॉस B. यही आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको समझना है. इफ R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, R इज द पार्ट ऑफ A क्रॉस B, देन वी कैन से R इज द रिलेशन फ्रॉम A टू B. गॉट इट? नाउ मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि सपोज सेट ए लिया, 1, 2, 3 लिया मैंने. ठीक है, यहां पर लिया सेट बी, इट्स अ 4 और 5 बताया था. और अगर इफ R1 इज गिवन लाइक दैट, 1, 4, इट इज 2, 5 एंड 3, 5 इज गिवन हियर, क्या R1 रिलेशन होगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं. तो इसका मतलब क्या होगा? फॉलो दिस डेफिनेशन, R should be subset of A cross B.
आर में जो भी एलिमेंट है ना वो सारा का सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में होना चाहिए, ठीक है। तो आर वन में देखो तो फर्स्ट एलिमेंट ए से होना चाहिए, सेकंड एलिमेंट बी से। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई आपसे पूछता है कि व्हाट इज द एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है, आर का एलिमेंट कैसा होता है, तो आप कहोगे ऑर्डर्ड पेयर में होता है, ठीक है। ये जितने भी आप देख रहे हो ना, ये सारा का सारा ये आपका ऑर्डर्ड पेयर में दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके पहले वाला लेक्चर में मैंने पढ़ाया है, जिसने नहीं देखा प्लीज़ उसको जरूर जा करके देख लीजिए। ये हमारा R1 हो गया, तो ऑफ कोर्स मैं कह सकता हूँ कि R1 इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ये हमारा R1 हो गया। अच्छा, उसी तरह देखो तो क्या R2 सबसेट होगा, उसके बाद देखिए तो वी आर टॉकिंग अबाउट 1,4, यहाँ लिखा मैंने 5,3। अगर ये क्वेश्चन रहा तो क्या R2 सबसेट होगा, बोलोगे नहीं सर, R2 इज नॉट द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। क्यों नहीं होगा, कि फर्स्ट जो वन है वो तो A से बिलोंग कर रहा है, 4 भी B से बिलोंग कर रहा है, ये तो सही है, ठीक है। साथ साथ क्या है, 5 A से बिलोंग कर, 5 जो है देखिए B से, जबकि फर्स्ट एलिमेंट किससे बिलोंग करना चाहिए था, A से बिलोंग करना चाहिए था। हमेशा ध्यान दीजिएगा, तभी जा करके रिलेशन होगा, ये बात हमेशा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। रिलेशन होने के लिए जो फर्स्ट एलिमेंट ए जो है ना कैपिटल ए से, और स्मॉल बी जो होगा वो कैपिटल बी से बिलोंग करना चाहिए, तभी जाकर के वो रिलेशन होने वाला है। इतनी बातें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अब हम लोग नेक्स्ट इन करते हैं, दिस इज टाइप ऑफ रिलेशन। यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको सीखना है, टाइप ऑफ रिलेशन, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। और टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम, ये भी लिख देता हूँ, दो टॉपिक पढ़ेंगे, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए टू बी का मतलब हो गया फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट, हेलो, फ्रॉम वन सेट टू अनदर सेट। तो इसके लिए सबसे पहला जो टाइप ऑफ रिलेशन हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड वॉइड रिलेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं एम्प्टी रिलेशन, या इसी को हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड नल रिलेशन, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड, एम्प्टी एंड नल रिलेशन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस वन, तो पता होना चाहिए कि यहां पर ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। पेपर पेन लेकर के स्टार्ट कर दीजिएगा लिखना, नॉन एम्प्टी सेट। पहले तो ये क्लियर होना चाहिए कि भाई ए और बी क्या होगा ना, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। और रिलेशन होने के लिए R शुड बी इक्वल टू 5, ठीक है। नॉन वॉइड एम्प्टी या नल रिलेशन होने के लिए R शुड बी इक्वल टू 5, विच शुड बी इक्वल टू A क्रॉस सबसेट ऑफ A क्रॉस B। देखो यही तो कोर डेफिनेशन है कि R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, लेकिन R किसके इक्वल होना चाहिए, 5। मतलब क्या है कि R तो निकलेगा लेकिन ऐसा कोई भी वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करने वाला है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं निकलने वाला है, मतलब 5 होगा। और आपने क्लास 11th में पढ़ा था कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। तो जो भी इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा दैट इज कॉल्ड रिलेशन, ये रिलेशन हो गया। अब बोलोगे सर कि आप हमें एग्जांपल थोड़ा सा बताओ, तो ऑफकोर्स बताता हूं मैं आपको। मान लो कि यहां पर ए लिखा, ठीक है, इस ए में क्या कर दिया, दिस इज 2, 4 and 6 लिया, ठीक है, ये बी लिया, लेट मी राइट 7 and 11 कर दिया मैंने। और R का जो डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, दिस विल कम A कॉमा B सच दैट A माइनस B इज इवन, ठीक है, A माइनस B इज इवन, क्लियर। और A बिलोंग्स टू कैपिटल A, B बिलोंग्स टू कैपिटल B, ठीक है। अब मुझे बताओ ये जो है डेफिनेशन आप देख रहे हो ना, R ऑर्डर पेयर में, अभी जस्ट बताया था कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट होगा वो सारा का सारा एलिमेंट विल कम एज अ ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर के जैसा ही होने वाला है, ठीक है। अगर ये ऑर्डर पेयर के जैसा होगा तो अब जरा ध्यान से देख लेना, और कैसा करना है जी, यहां पर ए की वैल्यू दिख रही है, यहां पर बी का वैल्यू दिख रहा है, दोनों को माइनस करना है और माइनस करके इवन आना चाहिए। आप कोई भी वैल्यू लेकर के देखो तो, ए का यहां से, बी का यहां से, कुछ भी लेकर के देख लीजिए, तो मान लो कि यहां से 2 लिया, यहां से 7 लिया,
इट विल कम माइनस फाइव, लेकिन माइनस फाइव क्या इवन है? दिस इज नॉट अ इवन. आप कुछ भी लेकर के देख लीजिए, किसी का मन किया सर फोर ले लेते हैं ए से, बी से मैं इलेवन ले लेता हूँ, आई टुक इलेवन हियर, इट्स अ माइनस सेवन, इट इज ऑल्सो नॉट एन इवन नंबर. ये भी आपका इवन नंबर नहीं है. अगर इवन नंबर नहीं है, आप यहाँ से कोई भी नंबर लेकर के देखो, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा. जब सेटिस्फाई नहीं करेगा तो क्या कुछ भी आंसर आएगा? तो बोलोगे सर नहीं, कुछ भी आंसर नहीं आएगा. तो आंसर विल बी व्हाट? फाइव. तो हमारा जो आर है ना इक्वल टू फाइव, और फाइव इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट. इसका मतलब कह सकते हैं ए क्रॉस बी कहा जा सकता है. ठीक है, तो ये देखो यही हमारा वॉइड रिलेशन है. आप ऐसा डेफिनेशन आर का रखे हैं जिसमें कोई भी चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दिस इज वॉइड रिलेशन. और ये रिलेशन मैं किस पे पढ़ा रहा हूं बताओ? ए टू बी पर. दो सेट यहां पे इन्वॉल्व होगा. लेकिन मैंने आपको इसके पहले वाला लेक्चर में क्या बताया था कि क्लास ट्वेल्थ में सिर्फ हमें एक ही सेट पे काम करना है, वो भी धीरे धीरे करके अभी हम लोग आएंगे. ठीक है, तो मुझे लगता है यहां तक आपको क्लियर होगा ये हमारा वॉइड रिलेशन. इसमें और भी एग्जांपल अभी हम लोग पढ़ेंगे. जब मैं एक सेट की बात करूंगा, यहां पर तो दो सेट है ना, जब एक सेट की बात करूंगा तो वहां पर और भी हम लोग अभी पढ़ेंगे. पहले एक एक चीज पढ़ते जाइए और अपना कमेंट मुझे बताइएगा क्या आपको समझ में आ रहा है. अगर समझ में आ रहा है तो टाइप करिए यस, मैं सबके कमेंट को पढ़ूंगा अभी. नेक्स्ट सेकेंड देखिए जी, एक होता है यूनिवर्सल. ठीक है, यूनिवर्सल रिलेशन. यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो गया? यहां भी ये जो सेट ए लो गया, देखिए ये जो सेट ए एंड बी लोगे ये उसी तरह से हो जाएगा. नॉन एम्प्टी सेट लेना है आपको. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट लेना है. मैं बार बार एक चीज नहीं बोलूंगा, नॉन एम्प्टी सेट, एन ई एस. ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए. और इस बार जो डेफिनेशन होगा आर इक्वल टू ए क्रॉस बी. अब इसका मतलब क्या हो गया जरा बताओ? आर जो निकलेगा, आर में जो भी एलिमेंट निकलेगा वो पूरा का पूरा पता है किसके बराबर होगा? ए क्रॉस बी के इक्वल होगा. जितना ए क्रॉस बी में एलिमेंट निकलेगा वो सारा का सारा आर में होना चाहिए. इसका मतलब क्या होगा? आर का जो भी डेफिनेशन होगा वो सबको सेटिस्फाई करना चाहिए, जितने भी एलिमेंट है ना सबको सेटिस्फाई करना चाहिए. इसी को कहीं कहीं बुक में ऐसे भी लिखते हैं कि आर इक्वल टू कर लो ए क्रॉस ए या ए क्रॉस बी, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी. ऐसे भी लिखा जाता है कि ये आर है ना इक्वल किसके होना चाहिए? ए क्रॉस बी. और ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्योंकि कहा जाता है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इट्सेल्फ. तो ए क्रॉस बी भी एक सेट है और ए क्रॉस बी भी एक सेट है, तो एक सेट खुद का सबसेट होता है. ठीक है, तो ये भी डेफिनेशन हमारा काम देगा. तो दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन. और एक चीज जरा देखो, कोई अगर पूछता है एग्जाम्पल यहां पे क्या होना है जी, तो यहां पर कुछ भी आप एग्जाम्पल यहां पर ले सकते हैं. सपोज आई टुक हियर ए में इट्स अ 1, 2. ठीक है, और बी में एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, इट इज 1, 3 मैंने कर लिया. तो हमारे पास ए है, हमारे पास बी है. ठीक है, ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, और इसमें अगर ले लेता हूं मैं आर में, सपोज इट इज ए कॉमा बी, और सच दैट मैंने लिखा ए माइनस बी मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ध्यान से देखिए ये रिलेशन कैसा होगा, देखते हैं. अब इसमें से कोई भी वैल्यू उठा करके इस डेफिनेशन में पुट करो. ठीक है, क्योंकि अब तो आपको पता चल ही गया कि इसमें जो ए लेंगे वो फर्स्ट सेट से लेंगे, और बी का जो वैल्यू लेंगे वी विल टेक फ्रॉम द सेकेंड सेट. हम लोग सेकेंड सेट से यहां पर लेंगे. ठीक है, तो आइए देखते हैं. कोई भी ले लो, मान लो यहां से वन लिया और यहां से भी वन लिया, तो वन माइनस वन और मॉड में रख दो, इट विल कम जीरो, और जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ये होगा. फिर लेंगे हम लोग मॉड में वन और माइनस थ्री, नेट आंसर कितना होगा? टू, और टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया आपका. ठीक है, यही हमारे पास होगा, टू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. तो टू जीरो के इक्वल नहीं है लेकिन बड़ा है. उसी के बाद देखिए ये टू माइनस वन इक्वल टू वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो. ठीक है,
यू विल गेट 2 माइनस 3 इक्वल टू 1, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो इसमें क्या है ना कि सारा एलिमेंट इसमें आ जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हो ना कि सारा एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई कर सकता है। तो कह सकते हैं कि इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहा है, ये देखिए सब एलिमेंट इसमें सेटिस्फाई करने वाला है। जितने भी एलिमेंट देख रहे हो ना, ये सारा एलिमेंट आपका यहां पे सेटिस्फाई कर जाएगा आपका, ठीक है। तो R में क्या क्या एलिमेंट हो सकता है जी, ठीक है। ये 1, 1 हो सकता है, 1 को 1 से सेटिस्फाई कर सकता है, 1, 3 भी सेटिस्फाई कर सकता है, 2, 1 भी सेटिस्फाई हो सकता है, एंड 2, 3 भी सेटिस्फाई हो सकता है। दिस इज R, और यही R इक्वल टू क्या हो गया बताओ, A क्रॉस B हो गया ना। और A क्रॉस B भी निकालोगे तो इतना ही एलिमेंट आपका निकलेगा, ठीक है, और विच इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B हो गया। तो ये क्या हो जाएगा जी, दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। ये आपका यूनिवर्सल रिलेशन हो गया सर। ऑलराइट, क्या यहां तक क्लियर है? ऑलराइट, जिनका भी क्वेश्चन है प्लीज पुट अप कर दे, मैं सबका देख लूंगा, ठीक है। सब कुछ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एवरीवन। चलो, गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड, लर्न इंग्लिश, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट, अब जी देख लेते हैं। अब जो मैं पढ़ने वाला हूं ना, यहां पे देखिएगा, ये कुछ अलग टाइप का है। ए टू ए, ठीक है, टाइप ऑफ रिलेशन। देखो, कोर टॉपिक हमारा यही है कि ए टू ए हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए वी आर गेटिंग। अब जरा ध्यान से देखिए, है क्या ये? अभी तक जो हमने पढ़ा था ना, वो है क्या, दैट इज ए टू बी हम लोग पढ़ रहे थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए टू ए, और यही हमारा 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टीक है, ठीक है। यहां ध्यान से देखिए, तो इसमें भी आपको void रिलेशन मिलेगा, void, या हम लोग कह सकते हैं कि एम्प्टी, क्लियर, void कह सकते हैं, एम्प्टी रिलेशन या फिर null रिलेशन भी आप कह सकते हो। ये बातें समझ में आ रही हैं? दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके पहले जो मैंने पढ़ाया था ना, ए टू बी पढ़ाया था, और अब जो मैं पढ़ा रहा हूं ए टू ए पढ़ा रहा हूं, सेम सेट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट सेम सेट। देखते जाओ जी, टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू ए हो गया। तो इसके लिए क्या करना है, पहले ए डिक्लेयर कर लो, दिस शुड बी नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। और क्या होगा, R शुड बी इक्वल टू phi होगा, ये तो कंफर्म है, लेकिन phi इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A क्रॉस A, वहां पर था A क्रॉस B, बट हेयर इट विल कम एज अ A क्रॉस A होना चाहिए। ये बातें बहुत ही क्लियर, अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए कि इन दैट केस वी आर टॉकिंग अबाउट phi इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B, बट इन दिस केस वी विल टेक phi इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A होना चाहिए, ठीक है। ऑलराइट, अब ध्यान से देखो, अब आप एग्जांपल कुछ भी ले सकते हो। जैसे मैंने यहां पे कंडीशन आपको बताया था ना, कि जैसे मैंने यहां पर ले लिया सपोज R, एक डेफिनेशन दे देता हूं, A कॉमा B सच दैट, मॉड लिखा A माइनस B स्मॉलर देन 0, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये एक डेफिनेशन लिखा, और सिर्फ यहां पे क्या होगा ना, एंड सिर्फ एक ही सेट दिया रहेगा, एंड वी आर टेकिंग एज अ 1, 2, 3, ठीक है। जरा देखो, आपको क्या करना है ना, कि R में ऐसा कोई वैल्यू कंडीशन दे देना है कि वो सेटिस्फाई ना करे। अब मुझे बताओ, कोई भी दो वैल्यू को माइनस करोगे और उसमें मॉड लगा दोगे, तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव आता है, और पॉजिटिव होगा तो वो स्मॉलर देन 0 तो कभी नहीं होगा, इट विल ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा।
तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कोई भी वैल्यू यहाँ पे लाई नहीं करेगा, तो इट विल इक्वल टू 5। हमेशा आंसर कितना आएगा, 5। और 5 द सबसेट ऑफ व्हाट, ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए हो जाएगा। R इक्वल टू 5 एंड 5 इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए वी आर गेटिंग, ठीक है, यही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप ऐसा बहुत सारा एग्जांपल ले सकते हैं जहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइड या एम्प्टी रिलेशन, आपको पता चल जाएगा। अब देखो यहीं पर जब हम लोग एम्प्टी रिलेशन पढ़ चुके हैं तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर हम लोग पढ़ सकते हैं यूनिवर्सल रिलेशन भी पढ़ सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल रिलेशन। आइए जी, तो आपको यहां पर भी कंडीशन पता होना चाहिए, फर्स्ट जो ए है ना, नॉन एम्प्टी सेट, शॉर्ट में बता देता हूं, ए हमारा नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, और R का जो वैल्यू आएगा ना, इट विल इक्वल टू A क्रॉस A, और A क्रॉस A इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A क्रॉस A होगा, ठीक है, A क्रॉस A होगी। R इक्वल टू A क्रॉस A इज द सबसेट ऑफ व्हाट, A क्रॉस A वी आर गेटिंग। ये हमारा क्या हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, यूनिवर्सल रिलेशन। तो आप कुछ भी एक एग्जांपल ले सकते हो, यहां पर कोई एक सेट ए ले लो, इट इज 1, 2, 3 मैंने लिया, ठीक है, 1, 2, 3 मैंने कर दिया। अब जैसे देखो कि आर का कोई वैल्यू अगर लोगे ना, सपोज ए कॉमा बी, और यहां पर ले लो मॉड ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये ले सकते हैं। अब मुझे बताओ यहाँ पे जितने भी वैल्यू है सब सेटिस्फाई कर जाएगा, जैसे पहले हम लोग केसेस लिए थे, ठीक है, और यू विल टेक ए कॉमा बी बिलोंग्स टू, इट विल कम कैपिटल ए, ये कैपिटल ए से बिलोंग करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए एंड बी इफ वी आर टेकिंग फ्रॉम कैपिटल ए, दिस विल ऑलवेज बिलोंग्स टू व्हाट, कैपिटल ए, एंड इट विल सेटिस्फाई टू ऑल, ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन कैपिटल ए इट विल सेटिस्फाई, सो व्हाट इट विल कम, आर इक्वल टू ए क्रॉस ए इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए वी आर गेटिंग, ठीक है, यही हमारे पास आर हो गया। तो इसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारे कंडीशन होगा, अगर सब कुछ सेटिस्फाई कर गया दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन, यही हमारे पास। अच्छा एक चीज और देखिए, नोट करके लिख लीजिएगा या स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां नोट करके लिख लेंगे आप। नोट क्या है ये ध्यान दीजिएगा, पहला कोई अगर पूछ ले कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट रिलेशन, एक मार्क्स में आ सकता है, ट्रू फॉल्स फिल इन द क्लाइंट्स करके पूछा जा सकता है क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट रिलेशन क्या होगा, तो वी आर गेटिंग एज अ वॉइड या फिर नल या फिर हम कह सकते हैं एम्प्टी, ये हमारा क्या हो गया, सबसे छोटा रिलेशन हो गया। दूसरा अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द लार्जेस्ट रिलेशन, सबसे बड़ा रिलेशन क्या होने वाला है, तो वी आर गेटिंग एज अ यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन इज द बिगेस्ट रिलेशन, लार्जेस्ट रिलेशन होता है। और थर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वॉइड एंड यूनिवर्सल रिलेशन आर समटाइम्स कॉल्ड, इसी को हम लोग कहते हैं समटाइम्स कॉल्ड, ठीक है, समटाइम्स कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है। ये ट्रिवियल वर्ड आपने सुना होगा, मैट्रिक्स में साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ाने में मैंने पढ़ाया था ट्रिवियल रिलेशन के बारे में, वहाँ आंसर होता था x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, एक बच्चे ने पूछा था वहाँ पर x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 0, क्या ये नो सॉल्यूशन है, नहीं ये नो सॉल्यूशन नहीं है, मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ थोड़ा सा, वहाँ पे ट्रिवियल पढ़ाया था, ये नो सॉल्यूशन नहीं है, ये x y z का वैल्यू आ रहा है लेकिन एक वैल्यू आ रहा है, और वो एक वैल्यू क्या है जी, 0,
x का वैल्यू कितना हो गया जीरो, y का भी जीरो, z का भी जीरो, ये नो सॉल्यूशन नहीं है, ये आंसर आ रहा लेकिन उसकी वैल्यू कितनी हो रही है जीरो। जैसे वन हो सकता है, टू हो सकता है, थ्री हो सकता है, फोर हो सकता है, उसी तरह ये सारे वैल्यू कितने हो सकते हैं जीरो हो सकते हैं। ठीक है, तो इसी रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन कहते हैं। ये जो रिलेशन कहला रहा है ना, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, इतना तो लगभग समझ में आप लोग आया होगा। अब बोलोगे सर ऐसा कोई एग्जांपल आप बता सकते हो विच इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन एक साथ। अब जैसे देखो ये ट्रिवियल रिलेशन का मैं आपको एक एग्जांपल आपको बताता हूं क्या है। यहां पर है ए लेना है सेट ऑफ, वी विल टेक सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल, बॉय स्कूल का सारा स्टूडेंट मैं ले लेता हूं। ठीक है, अब मान लो कि यहां पर आर रखा, ठीक है आर रखा, ए कॉमा बी सच दैट, और लिखा गया है ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ठीक है, ए इज द सिस्टर ऑफ बी कहना है, ये रखा मैंने। और यहां देखो, और इसी आर डैश में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पर कि ए कॉमा बी सेट सेम है जी, सेट सारा का सारा वैलिड किस पे हो रहा है, ए पर ही हो रहा है। और ए कॉमा बी यहां कहा गया है डिफरेंस बिटवीन, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 5 meters। ठीक है, ए कॉमा बी जो है ना, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट इज लेस देन 5 meters। अब आपको मुझे बताना है, हालांकि ये क्वेश्चन लगातार रहेगा, दिस इज अ क्वेश्चन, और इसी सेट पर ए पर ही वैलिड आर है और ए पर ही वैलिड आर डैश है। ठीक है, ए ये जो हम ए और बी का वैल्यू लेंगे ना, वो सब कैपिटल ए से ही ले रहे हैं। तो मुझे बता दो क्या ये आर में कोई भी आंसर आएगा, आर इक्वल टू फाइव आएगा, ये इसका सॉल्यूशन है। पता चल रहा है क्यों सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ले रहा हूँ कहाँ से ले रहा हूँ भाई, बॉयज स्कूल से ले रहा हूँ, और बॉयज स्कूल में जो बच्चे रहेंगे वो सारे के सारे बॉयज ही रहेगा। तो आप मुझे बता दो थोड़ा सा, क्या दो स्टूडेंट को मैंने बुलाया बॉयज स्कूल से, और बोला जा सकता है कि सुन तू बोल ये तेरी बहन है, एक लड़के को दूसरे लड़के के साथ बोला जा सकता है बताओ ये तेरी बहन है, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है कि एनी स्टूडेंट फ्रॉम अ बॉय स्कूल कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ अदर स्टूडेंट। ठीक है, तो कह सकते हो चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो सिंस, ठीक है, एनी बॉय स्टूडेंट कैन नॉट बी सिस्टर ऑफ अदर बॉय स्टूडेंट, आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, ये रीजन लगा सकते हो, लेकिन दूसरा जरा देखो तो इसमें क्या होगा आंसर, इसका जरा देखिएगा। अगर आर डैश हम लोग निकालना चाहेंगे तो पता क्या होगा कि आप ए और बी कहां से सेलेक्ट करना है, कैपिटल ए से। अब क्या किया गया, उसी बॉयज हॉस्टल में से किसी भी दो बच्चे को निकाला गया। अब भाई बॉयज कितने कितना कितना हाइट हो सकता है, आप फिट के टर्म में देख लो, कुछ भी होगा कितना भी बच्चा होगा तो भाई 4 feet का तो होगा ही कम से कम। और भाई उन दोनों के हाइट को अगर माइनस करते हो, डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ टू स्टूडेंट अगर माइनस करने के बाद जो आएगा वैल्यू, मान लो कि भाई एक 5 feet का, 4 feet का लड़का है, एक 7 feet का लड़का है, 7 में से 4 कर दो 3 feet हो गया, और 3 feet समझ रहे हो कितना होना चाहिए, 3 feet, जैसे ये पूरा का पूरा 3 feet है, और 5 meters तो बहुत बड़ा हो गया ना, कि जब भी माइनस करोगे दो पर्सन के बीच का हाइट तो हमेशा 5 meters से कम ही आएगा। तो इसका मतलब कि बॉयज स्कूल में जितने भी बच्चे हैं ना, किसी भी दो स्टूडेंट का हाइट पकड़ो और दोनों को माइनस कर लो,
जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगी इट विल ऑलवेज स्मॉलर देन 5 मीटर आएगा, ठीक है, ये 5 मीटर ही आएगा। ध्यान से देखिए, तो दिस विल बी व्हाट, इसका मतलब ए क्रॉस बी इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर डैश का जो वैल्यू आएगा ना वो सारा का सारा ए क्रॉस बी है, ठीक है, विल बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी हो गया। जरा ध्यान से देखो, तो इसमें क्या है ना, सारा स्टूडेंट सपोर्ट कर जाएगा, ठीक है, चलो बहुत अच्छा, सारा स्टूडेंट सपोर्ट कर जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि आर डैश इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब जरा बताओ ये है क्या, ये जो आपने R देखा और जो R डैश देखा, ये हमारा इम्पिटी हो गया और ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया, तो कलेक्टिवली वी कैन से दिस इज, ये कैसा हो गया जी, कलेक्टिवली हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रिवियल रिलेशन है। ये कैसा रिलेशन है बताओ मुझे, ट्रिवियल रिलेशन है, दिस इज कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन हो गया। तो ये जो दो टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, ये कहाँ से था, टाइप ऑफ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सल, और साथ साथ जो मैंने अभी आपको बताया, एक यूनिवर्सल हमारा टॉपिक हो गया, दूसरा वॉइड रिलेशन हो गया, इस बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो आज मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि थोड़ा सा मेरे को निकलना भी है अभी, तो ये दो टॉपिक अभी पढ़ेंगे और ऐप को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, धीरे धीरे हम लोग उसी में सारा का सारा चीज़ शिफ्ट करने वाले हैं, और मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का आप अपना रेडी रखिएगा, टेस्ट आपका मैं कंडक्ट करूँगा, ठीक है, हो सकता है आपका जो टेस्ट होने वाला है दैट विल बी ऑन मंडे को हम लोग टेस्ट ले लेंगे, तो उसके लिए रेडी रखिएगा। किसी तरह का डाउट है तो मेरे को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज दीजिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर हो गया, बहुत लोग को शायद पता है, वी आर गेटिंग एज अ 9031706247, इस व्हाट्सएप पर मुझे आप सेंड कर दीजिएगा, ठीक है, किसी तरह का डाउट होता है मैट्रिक्स डिटरमिनेंट से रिलेटेड तो वहाँ पर हम लोग स्टडी कर लेंगे, गॉट इट। अगला जो वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वो शायद रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, एंटी सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस क्लासेस, इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, टॉपर्स, फीलिंग टॉपर्स वाली होनी चाहिए।